वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्यूअर्स, फ्रेश जूस आजकल क्योंकि फलों का मौसम है तो हमारे पास पीच यानी कि आड़ू भी है, स्ट्रॉबेरी भी है और वाटरमेलन यानी कि तरबूज भी है। आज हम इन तीनों से आपको फ्रेश जूस बनाना सिखाएंगे कि किस तरह हम घर में बहुत ही अच्छे तरीके से बाजार से भी 100 गुना अच्छा जूस बना सकते हैं। ये हमारे पास पीच यानी कि आड़ू है, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, ये हमारे पास तरबूज है। क्वांटिटी इसकी जितना आप बनाना चाहें उसके मुताबिक है। अगर ज़्यादा गाढ़ा करना हो तो क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें, और अगर आपने नॉर्मल जैसा कि बाज़ार में मिलता है वैसा करना है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। लेकिन इससे पहले हम आपको स्ट्रॉबेरी लेमोनेड वो बनाना सिखाते हैं कि स्ट्रॉबेरी लेमोनेड हम घर पे कैसे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक ब्लेंडर लेना है, और ब्लेंडर में हमने ये सबसे पहले स्ट्रॉबेरी डालनी है। स्ट्रॉबेरी हमारे पास 1 पाव है, 1 पाव हमने स्ट्रॉबेरी ले लेनी है, वो ब्लेंडर में डाल देनी है। इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, शुगर इसमें 5 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। 5 टेबलस्पून इसके अंदर हमने माप के डाली है, ये 5 टेबलस्पून है जो हम इसके अंदर डालेंगे। आप थोड़ी बहुत कम भी करना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक तो कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर आइस यानी कि बर्फ ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास आइस है, हम इसके अंदर डालेंगे। इसको कम या ज़्यादा करना आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड कर। और फिर इसके अंदर हम तकरीबन 2 गिलास पानी के डालेंगे। नहीं, ये हमारे पास वाटर है जो कि हम 2 गिलास इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसको चलाते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं। अच्छे तरीके से करना है ब्लेंड, जब तक मुकम्मल तौर पे ब्लेंड नहीं हो जाता तो हम इसको रनिंग। स्ट्रॉबेरी लेमोनेड तैयार हो गया है, अब हम इसको बंद करेंगे ब्लेंडर को। जी व्यूअर्स, स्ट्रॉबेरी लेमोनेड अब हम ग्लास में डालते हैं। जी व्यूअर्स, स्ट्रॉबेरी लेमोनेड तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही आपको पसंद आएगा, घर में ज़रूर बनाइएगा। व्यूअर्स, अब हम आपको पीच का जूस बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए पहले हमने 4 पीच लेने हैं, सिर्फ 4, अगर ज़्यादा, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं बनाना, ये 1.5 लीटर बनेगा 4 पीचेस से। तो हम इसका पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, 4 पीच लेके, 4 आड़ू लेके। तो अब हम इसको काटते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि इनके साथ आगे क्या करना है। अब हम पीच का जूस आपको बनाना सिखाएंगे कि पीच का जूस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने 4 पीच लिए हैं आड़ू यानी के, और उनको इस तरह इन पीसेस में काट लिया है। अब हम ब्लेंडर लेंगे और ब्लेंडर में इनको डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 5 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे, 5 टेबलस्पून। जी व्यूअर्स, इसके बाद चीनी डालने के बाद हम इसमें 2 गिलास वाटर ऐड करेंगे, जस्ट 2 गिलास, इससे ज़्यादा नहीं। जी व्यूअर्स, इसमें आइस ऐड करेंगे, थोड़ी सी और ऐड करेंगे, क्योंकि जूस उसी वक्त मज़ेदार लगता है जब ये ठंडा हो। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। रेडी हो चुका है, अब हम इसको बंद करते हैं। व्यूअर्स, हमने इसको छीला बिल्कुल भी नहीं है, एज इट इज़ काटा है और इसमें डाल दिया है। तो इसके अगर छोटे छोटे से चंक्स भी आए तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब हम इसको ग्लास में डालते हैं, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा बनाएंगे पीच जूस, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी है व्यूअर्स, ये पीच जूस बहुत ही मज़े का है। जी व्यूअर्स, लास्ट पे रह गया हमारा वाटरमेलन का जूस। तो वाटरमेलन का जूस बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ता है।
व्यूअर्स ये हाफ के जी है। व्यूअर्स सबसे पहले हम ब्लेंडर में वाटरमेलन डालेंगे। व्यूअर्स इसमें पानी हम कम डालेंगे क्योंकि वाटरमेलन का अपना भी पानी होता है। इसमें फोर टेबल स्पून हम शुगर ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी हम कम डालेंगे, कम या ज़्यादा आप अपनी ज़रूरत के साथ इसको कर सकते हैं। और जो इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो बहुत कम लोगों को पता है, जिससे इसका फ्लेवर बनता है, तो ये इसमें हम ये जो मेरे पास काला नमक है, ब्लैक टेबल साल्ट, ये 4 पिंचेस के करीब हम इसमें ऐड करेंगे। बर्फ हसबे ज़रूरत जितनी भी आप करना चाहें। अब हम इसके अंदर 1.5 ग्लास वाटर का डालेंगे, 1.5 ग्लास। क्योंकि इसका अपना पानी भी है इसके अंदर, तो हम ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, 1.5 ग्लास। ग्लास वही है जो हमने पहले भी आपको दिखाया कि 1.5 ग्लास वाटर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसको बंद करते हैं ब्लेंडर को, क्योंकि ये मेलन जूस तैयार हो चुका है। मेलन जूस मुकम्मल तौर पर रेडी हो गया, अब हम इसको ग्लास में डालते हैं। व्यूअर्स, जो काला नमक है ना, वो इसमें बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी है, बल्कि इस मेलन जूस की जान है वो। तो अब हम इसको ग्लास में डालते हैं। बहुत ही मज़े का ये जूस, ख़ासतौर पे गर्मी के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, अब तक जितने भी हमने जूस बनाए हैं ना, वो सब के सब एक से बढ़कर एक हैं, और आप इनको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो अब हम तीनों जूस एक साथ इकट्ठे रखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से हमने तैयार किए हैं। जी व्यूअर्स, तीनों जूस मुकम्मल तौर पे रेडी हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही फ्लेवरेबल हैं, और हमने साथ साथ उनके लगा दिया कि कौन सा जूस हमने बनाया है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप ये जूस खुद घर में तैयार करेंगे, खुद भी पिएंगे और बच्चों को भी पिलाएंगे। तो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी तक के लिए। गुड बाय।